70 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती ने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था। बंगाली परिवार से बिलोंग करते हुए मिथुन चक्रवर्ती जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो उनके रंग रूप को देखने के बाद उस जमाने के कई सारे बड़े सुपरस्टारों ने उनका मजाक तक उड़ाया था और लोगों ने यहां तक कह दिया था कि मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री में सक्रिय रहकर खुद को अभिनेता नहीं बना पाएंगे। लेकिन इन लोगों के मुंह पर उन्होंने करारा तमाचा मारा। न सिर्फ उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवाया बल्कि एक समय एक बड़े सुपरस्टार बनकर भी उभरे। अब 45 साल से ज्यादा शानदार फिल्मी सफर के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने जो नाम और शोहरत कमाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। इनका कोई भी माय बाप इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता था और खराब लुक्स के बावजूद भी इन्हें रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हिम्मत कभी भी नहीं हारी। तभी तो मिथुन चक्रवर्ती आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सक्रिय है। साथ ही इन्होंने अपने करियर के दौरान कई सारी यादगार फिल्मों को भी बड़े पर्दे पर पेश किया है। यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती ने एक समय कई सारी बड़ी फिल्मों के ऑफर को ठुकरा दिया तो उन्होंने कई सारी ऐसी फिल्में की जिन फिल्मों का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। और ऐसी किसी अगर फिल्म की बात करें तो एक बार उनके बेटे ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि काश मेरे पापा वो फिल्म ना करते। 70 के आसपास मिथुन चक्रवर्ती का आना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में होता, लेकिन 1982 में आई डिस्को डांसर ने उनके करियर को लंबी उड़ान दी। मिथुन ने कई सारी हिट फिल्मों में काम तो किया है लेकिन कुछ असफल फिल्में भी रही हैं। ऐसे में उनके बेटे नमाशी को लगता है कि एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्हें काम नहीं करना चाहिए था। नमाशी का इस पर कहना था कि उनके पिता मिथुन चक्रवर्ती को एक्शन ड्रामा गुंडा नहीं करना चाहिए था क्योंकि इस फिल्म ने उनके करियर पर धब्बा लगा दिया था। मिथुन चक्रवर्ती स्टारर गुंडा को बशीर बब्बर ने लिखा था। इसके निर्देशक थे कांति शाह। फिल्म में शक्ति कपूर और मुकेश ऋषि भी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म रिलीज के समय ही विवादों में फंस गई थी लेकिन अपने क्रिंज डायलॉग के चलते यह फिल्म कल्ट हिट साबित हुई। अब मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमासी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पिता को गुंडा फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। नमासी का इस पर कहना था कि मुझे लगता है कि एक ऐसी फिल्म है जो बहुत बदनाम है, अपनी दुर्दांत कहानी के चलते ये कुख्यात हो गई थी। मेरे जनरेशन के बहुत से लोगों को लगता है कि मेरे पापा ऐसे ही फिल्में कर सकते हैं। ये फिल्म इतनी ज्यादा बदनाम हुई कि ये हिट हो गई। मुझे फिल्म पसंद है लेकिन मुझे लगता है कि उनके स्टेचर के मुताबिक उन्हें ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। बताना चाहेंगे कि अभिनेता मुकेश ऋषि जिन्होंने गुंडा फिल्म में बुल्ला का किरदार निभाया था एक बार कहा था कि वो फिल्म में अपनी लाइनों को लेकर बेहद शर्मिंदगी महसूस करते थे। उन्हें शर्म आ रही थी और अपराध का मिश्रण वाला भाव भी आता था। तो दूसरी तरफ नमासी की बात करें तो जल्दी बैड बॉय के जरिए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखने वाले हैं। ये उनकी डेब्यू फिल्म है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती का कैमियो भी होने वाला है। इसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती के वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो साल 1976 में आई मिर्गिया फिल्म से इन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था। इनकी पहली बंगाली फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। खराब लुक्स के बावजूद इन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तभी तो आज मौजूदा दौर में भी ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। इनकी आखिरी रिलीज फिल्म कश्मीर फाइल्स थी जिस फिल्म की चर्चाएं बहुत ज्यादा हुई। इसके अलावा वो प्रजापति और बाप जैसी फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है।